भाई यहाँ पे चालू किया अपन ने कंक्रीट, ये पी क्यू सी का मैनुअल हो रही है, ये आपने लगा लिए हैं 4.5 मीटर तो इस टाइप से मैनुअली फिनिशिंग कर लेंगे अपन। ये एक्सपांशन जॉइंट जो आपका देख रहे हैं ये है, तो मैनुअली कर लेंगे अच्छे से। टॉप बनाने के लिए यहाँ पे लगे हैं, ये देखो गुड्डू बैग नजारे। अच्छा ये बाबा की गाड़ी देखो, जी एस बी डाल दी थी और ये यहाँ पर इसका जी एस बी का बेड भी बन गया रेडी और यहाँ पे रोलिंग वोलिंग हो रही है। अभी गाड़ियाँ डायरेक्ट नीचे से आ रही जो हमारे मिलर है डायरेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया अपने ब्रिज पे और यहाँ पे रात को आपने देखा था मैं यहाँ पे क्या जी एस बी का टॉप बना के गया था यहाँ पे, और रात को हमने रोलिंग वाटरिंग करके एकदम रेडी कर दिया था और रात को फिर हमने इस पर आज नाइट में ही हमने इसकी पीसीसी कर दी थी। 100 mm की पीसीसी करनी थी हमको, वो हमने करके रेडी कर ली थी। और अभी आज सुबह अच्छे से चालू था इसका पीक्यूसी का काम, दोपहर में धूप रहती तो थोड़ा बंद कर दिया था, अभी शाम के टाइम पे हमें 5 बज गए फिर से चालू किया हमने पीक्यूसी का काम। ये सामने देख रहे हैं आपने मिलर लगे हुए एक के बाद एक, और सामने आगे एक एक्सकेवेटर देख रहे हैं, वहाँ पर अपन ने जो एक वॉल खोदी थी कल रात को एक्सकेवेशन की, उसकी वॉल भी भरने लगे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई ये देख लो आप, ये रास्ता हमने रात को हमने एक्सकेवेशन कर रहे थे, ये हो गया हमारा रेडी, रात को ही हमने इस पर जी एस बी डाल दी थी और ये यहाँ पर इसका जी एस बी का बेड भी बन गया रेडी और यहाँ पे रोलिंग वोलिंग हो रही है। अभी गाड़ियाँ डायरेक्ट नीचे से आ रही जो हमारे मिलर है डायरेक्ट आ रहे हैं सीधे, और यहीं पर सीधे आपकी पी क्यू सी होती है वहाँ पर खाली होते जा रहे हैं। सामने एक्सकेवेटर चल रही है और ये इधर चल रही है, रात को हमने पी सी सी कर दी थी, इस पी सी सी के बाद अब इसमें पी क्यू सी का काम चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। भाई यहाँ पे चालू किया अपन ने कंक्रीट, ये पी क्यू सी का मैनुअल हो रही है, ये आपने लगा लिए हैं 4.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, 4.5 9 मीटर और एक स्पान 5 मीटर का है, तो उसमें एक्सपांशन जॉइंट भी लगाते जा रहे हैं। ये थर्माकोल के अब ये देख रहे हैं इनको, ऐसा एक्सपांशन जॉइंट भी हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। अभी पहले मिलर से खाली कर दो फिर बाद में मैनुअली इसको फैला लो, यही प्रोसेस रहता है मैनुअली कंक्रीट करने का। पूरा मिलर खाली हो गया देखो आप, ये लगभग 6.5 mm³ का मिलर है, पूरा खाली हो गया यहाँ पर, इसको मैनुअली फैला लेंगे, कम पड़ेगा तो और दूसरा मिलर भी खड़ा है, क्योंकि एक स्पान को तुरंत पूरा एक बार में ही करते जा रहे हैं, इसमें कुछ मत छोड़ो। और ये दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो थर्माकोल के, ये एक्सपांशन जॉइंट, ऐसा एक्सपांशन जॉइंट अभी यूज़ होंगे, ये मैं दिखाऊँगा जब यूज़ करेंगे। तो भाई दूसरा मिलर लगा लिया है, जो कंक्रीट फैलाई उसको फैला लेते हैं। और ये देखो ये थर्माकोल के जो आप देख रहे हैं ना शीट, इनको एज ए एक्सपांशन जॉइंट होते हैं, तो ये इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि अगर आपकी कंक्रीट आपस में टकरा गई तो ये जॉइंट हो जाता है, बाद में क्रैक्स डेवलप होते हैं। अगर ये आपने शीट इस टाइप की लगा दी एज ए एक्सपांशन जॉइंट, तो इसमें क्या होता है आपकी ये क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, इसमें ये फ़ायदा होता है। और आप जब भी कंक्रीट कर रहे हैं टाइप की मास कंक्रीट, तो आप वाइब्रेटर दबा के चलाइए भाई भाई, तो मेरी आपको अच्छे सलाह, भले ही मैं हाईवे का बंदा हूँ पर कभी कभी कंक्रीट कराता हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेटर खुद अपना काम कर देगा, आपको माल फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई थोड़ा यहाँ कंक्रीट कम पड़ गया, जितना लग रहा है उतना ले लो भाई, इसको मैनुअली इस टाइप से रंधे से आप अच्छे से फिनिश कर लीजिए, यही तरीका रहता है। अभी हल्की हल्की सी लाइन सी दिख रही है, ये पूरी ख़त्म कर देंगे, बाद में इसके ऊपर एक जो टेक्सचर मार्किंग की जाती है वो भी करेंगे इसमें, पर थोड़ा सा ये सेट हो जाए उसके बाद करेंगे, नहीं तो अभी तो काम ख़राब हो जाएगा। भाई यार टैंकर बुलाया, थोड़ा सा पानी छिड़क रहा है इसके ऊपर, और इसलिए छिड़क रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग लोकल लोग यार बोल रहे हैं पानी छिड़क के काम करो, तो छिड़क दिया भैया, उनकी फरमाइश पूरी करना पड़ती है यार, अब काम चलेगा धूल दौड़ेगी यार, तो पानी भी हल्का हल्का मार देते हैं। ये ऑपरेटर नहीं है, इनसे अच्छा तो हेल्पर मशीन चलाते हैं, ये अपने आप को शाणे ऑपरेटर समझते हैं। दोस्तों नीचे चल रही पी क्यू सी और यहाँ अपना काम भी चालू हो गया, ये यहाँ पे हम जी एस बी आती जा रही खदान से, अब जी एस बी खाली करते जा रहे हैं एक के बाद एक, साथ साथ में ग्रेडर भी है और ग्रेडिंग भी करते जा रहा है। ये हमारे गुट्टू भैया लगे यहाँ पे ग्रेडिंग करते हुए, और
काम इतना शोर सपाटे से चल रहा है, देखो पीछे पीछे इधर से जीएसबी डालते जा रहे हैं, उधर जीएसबी का फर्स्ट लेयर बनाया था उसके ऊपर देखो वाटरिंग भी करते जा रहा है सामने हमने। थोड़ा धूल वूल उड़ रही, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, समझ तो सकते हैं, पर भाई हम लोग लगे हैं, पानी भी मार रहे हैं ऐसी बात नहीं। और रुपया हमारा जीएसबी का टॉप बनाने के लिए यहाँ पर लगे हैं। ये देखो गुड्डू बैग नजारे। और तो यहाँ पे थोड़ा सा जीएसबी हमारा बच गया था, ये थोड़ा स्टॉक किया था, तो स्टॉक ऐसी जगह पे तो उसको बेड में डाल लेते हैं, बाद में ग्रेडिंग कर देंगे उसकी। भाई डाइवर्शन पे काफ़ी धूस डस्ट उड़ रही, थोड़ा सा पानी मार देते हैं हल्का हल्का, ज़्यादा भी मत मारो, ज़्यादा मार दोगे तो फिर कीचड़ हो जाएगा, तो गाड़ी स्लिप होंगी, इसलिए हल्का हल्का पानी मारना ज़रूरी है। मोदी काका लगे भी है पानी मारना। भाई सामने से होता जा रहा मटेरियल डंपिंग और साथ साथ में ग्रेडिंग होती जा रही है, आपको अब रास्ता समझ में आ गया होगा, जहाँ से ग्रेडर खड़ा है वहाँ से रास्ता आता हुआ और सीधे ये जो हम पाइप का लोडर बना रहे हैं सामने, ये इसके ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे खड़ा भैया रोलर वोलर अपना सब कुछ काम चलता हुआ, बहुत ही स्पीड से चल रहा भैया। ये इधर अपना तो जीएसबी वगैरह अपना तो रेडी है भैया, और जाना कम पड़ रहा है और में मटेरियल डाल लिया है, ग्रेडर अभी आगे बिजी है, रात में इधर भी ग्रेडिंग करता है, और ये सामने चलते अपनी पीक्यूसी का, अभी मिलर आते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं एक के बाद एक। दोस्तों ये सामने की तरफ चल रही है अपनी पीसीसी, वो इसको दो जॉइंट में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साढ़े चार मीटर में कर रहे हैं अपन, 9 मीटर का इसका विड्थ है, और एक्सपेंशन जॉइंट लगाते जा रहे हैं। और ये इधर की साइड में चल रहा है अपना कॉन्क्रीट का काम, जो ये वॉल है इसकी फाइनल लिफ्ट भर रहे हैं, अभी रात को भर दी थी एक लिफ्ट, अभी एक सुबह शटरिंग खोल के इसकी शटरिंग लगा के अभी फिर से इसकी कॉन्क्रीट स्टार्ट कर दी है। ये अभी ये फाइनल लिफ्ट रहेगी इसकी, ये इसके लेवल में आ जाएगी, ये वाली वॉल के लेवल में। और बाजू में एक और हमने फर्स्ट लिफ्ट के लिए यहाँ पे भी शटरिंग लगा रखी, रात को इसकी अभी थोड़ी देर बाद जैसे ये वाली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम ये वाली भी करेंगे कॉन्क्रीट इसका। भाई मोती काका ने लगा दिया आज, धूल का नामो निशान ख़त्म कर देंगे आज। मतलब तो यहाँ पे भी मैं कॉन्क्रीट के ऊपर, ये जो कॉन्क्रीट का जो आप देख रहे हैं पीक्यूसी की, सुबह की थी हमने, और इस पर हमने हसन क्लॉथ डाल दिया है, मतलब कि आपको टाट के बोरे बोलते हैं, काफ़ी मात्रा में रखे हैं, डाल दीजिए और उसको गीले करते रहिए, क्योंकि कंक्रीट को अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों कंक्रीट शाम के टाइम की जाती है। और दोस्तों आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये इसलिए भी रफ ज़्यादा है क्योंकि हमें इसके ऊपर बीसी करनी है, तो बीसी करेंगे तो थोड़ा सरफेस को रफ करना पड़ता है, तो ज़्यादा सरफेस को रफ किया हमने। भाई कभी कभी हम लोग पानी इसलिए डाइवर्शन पर नहीं मारते क्योंकि गाड़ियाँ बाद में स्लिप होती हैं, देखो समस्या वही आ रही है अभी, नहीं मारो तो दिक्कत कि धूल उड़ रही है, आसपास वाले लोग बोलते हैं कि धूल उड़ रही है, मार दो तो फिर गाड़ी वालों को प्रॉब्लम होती है, समस्या है, समझना चाहिए पर कोई समझता नहीं है। ये गाड़ी दो बार तो ऊपर से नीचे आ गई, अभी तक चढ़ी नहीं, अभी देखो फिर से कोशिश कर रहा है बेचारा, चढ़ जाए तो अच्छी बात है यार, खाली गाड़ी है जबकि ये टैंकर खाली है पूरा ही। गाड़ी दोस्तों अटक गई वहाँ पे, चढ़ नहीं पाई वो, और इसको वापस से पीछे लेनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, नहीं हुआ तो फिर हमें एक्सेवेटर लगानी पड़ेगी आखिरी में, तो फिर हम हैं ही। देखो भाई ट्रैफिक इतना हो जाता है, ज़रा सी एक गाड़ी कहीं रुक गई ना तो देखो तुरंत कितना लंबा जाम लग जाता है, ये देखो आप देख ही रहे होंगे, अभी हमको मेरे को लग रहा है एक्सेवेटर बुलानी पड़ेगी। ये वाली गाड़ी है देखो, ये स्लिप हो रही है, गाड़ी खाली है या फिर इसके क्लच ब्लेड में दम नहीं होगा इसलिए दिक्कत हो रही है, स्लिप हो रही है। बात नहीं बन रही इसकी, पीछे ही आएगी पीछे। भाई एक गाड़ी ने थोड़ा सा लग गया जाम, उसके कारण देखो क्या हालत, ये बस वाले हैं भैया, ये रिक्शा ले लेते हैं कहीं से भी। बच गई बाबा की गाड़ी, देखो ये बस वाले इतने हराम ही होते, देखो देखो भाई देखो किया किया कितना हो रहा है भाई, एक गाड़ी खराब होने से देखो जाम कितना लगता है, ये देखो देखो आप शाबाश, पायलट है वो, निकाल देगा वो।
सिंगल शाफ्ट होता है ना, इसलिए इसमें प्रॉब्लम रहा, इसमें 4x4 नहीं होता। बस चढ़ गई धीरे 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 चढ़ गई। ड्राइवर देते भाई पे भी गाड़ी उधर देते, लोग को समझते नहीं है। ये सारा पानी इस कैलाश ने डलवाया, इसके चक्कर में सारा काम खराब हो रहा है। ये हमारे इंजीनियर है ब्रिज के भैया कैलाश, और आधा कसूर है इनका बल्लू बाजी का। बन गया मौसम धीरे धीरे, थोड़ा सा और है चढ़ जाएगी आराम से। ये गया। दोस्तों निकाली थी वो गाड़ी, फाइनली निकली गई। तो क्लच प्लेट का कुछ प्रॉब्लम है, बाकी गाड़ियां सब निकल रही, वही गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही। पर देखो जरा से जाम कैसा लगा, चढ़ गई जान दे, चढ़ गई। माल बहुत भरा है ट्रॉली में वजह। दोस्तों फाइनली अपना एक साइड का जो आपका इटार बैतूल एंड है, उस साइड का हमने आज जीएसबी कर दिया पूरा। करते हैं डब्ल्यूएम की तैयारी, रात को डब्ल्यूएम का उस पर डंपिंग करेंगे, सुबह टॉप बनाएंगे इसका। और ये देख रहे हैं सामने से अपना बेड बनता जा रहा है, और अपन एक साइड से रोलिंग भी साथ साथ में करते जा रहे हैं, क्योंकि काम तो दोस्तों इसी स्पीड से करना पड़ेगा तभी ये जल्दी होगा। और फिर इसमें डामर होगा इसके बाद, डब्ल्यूएम टॉप बनने के बाद तो मैं डामर करूँगा। डामर मेरे को करना है, वो मेरा काम है। दोस्तों फाइनली आज हमारा एक साइड का जो आपका बैतूल एंड है उसका आज जीएसबी कर दिया, डब्ल्यू एम टॉप के लिए चाल बना दी, और आपका पीक्यूसी आधा पीक्यूसी कर दिया हमने, और उधर रिटेनिंग वॉल भी भर दी है। तो कल देखो पीक्यूसी पूरा हो जाएगा कंप्लीट, और आपका इटार की एंड हम स्टार्ट कर देंगे कल एक्सकर्शन। उधर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी कुछ, जिस पर मैं काम करना उसके ऊपर ट्रैफिक चल रहा था। चलो पल्लू बाजी बोल रहे हैं अब घर चलने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।